नमस्कार दोस्तों, मैं हार्डवेयर फिक्सर से कृष्णा ठाकुर। आज मेरे पास एक सेट आया हुआ है पोको F3 GT, जिसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, कस्टमर का कहना है कि चलते चलते ये बंद हो गया था, यानी कि एक डेड कंडीशन में है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, आपको बताएंगे किस तरह से जो हमारे पास पोको F3 GT आया हुआ है, इसका जो डेड सॉल्यूशन करना है, कैसे करना है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले इस तरह का कोई भी फोन आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको चार्जिंग पे लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे हम चार्जिंग पे लगा के एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने इसको चार्जिंग पे लगाया है और चार्जिंग पे लगाने पर यहाँ पे देख सकते हैं 0.4 0.5 इस तरह से ये रीडिंग ले रहा है। तो इसकी ये रीडिंग आ रही है चार्जिंग पे लगाने के बाद। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज होने पर भी इस तरह से रीडिंग लेता है फोन। तो आपके पास कोई सेट आता है इस तरह से रीडिंग ले रहा है तो थोड़ी देर उसे 5 मिनट या 10 मिनट लगा के छोड़ दो। कई बार क्या होती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है क्योंकि कस्टमर का जो चार्जर रहता है, मान लो चार्जर में दिक्कत हो गई, उसने लगा के देखा दूसरे चार्जर से, उस समय बैटरी ज़्यादा डिस्चार्ज हो गई, उसने 10-15 मिनट लगाया, उसके बाद चार्ज नहीं हुआ, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो प्रॉब्लम आती है। तो आपको क्या कर लेना है, तो सबसे पहले थोड़ी देर लगा के चेक कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने पहले भी चेक कर लिया था काफ़ी देर लगा के, तो यही कंडीशन आ रही है इसमें, इससे आगे चार्जिंग नहीं ले रहा है। तो इसको साइड को खोलते हैं और खोलने के बाद देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम निकलती है। तो दोस्तों सबसे पहले सेट को ओपन कर लेते हैं। तो ये बैक पैनल है इसका, सबसे पहले ये बैक पैनल हटा देते हैं इसका, उसके बाद इसके स्क्रू निकाल देते हैं सारे। हमें साथ ही साथ ये देखना पड़ेगा इसमें कहीं पहले काम तो नहीं हुआ है, क्योंकि स्क्रू तो पहले से खुले हुए हैं उसके दिखाई दे रहे हैं। तो खोलने के बाद हमें पता लगेगा इसमें क्या कोई काम हुआ है पहले से या नहीं हुआ है, बोर्ड की कंडीशन क्या है। उसके बाद दोबारा से हम डीसी रीडिंग से और चार्जर से दोबारा से हम इसको चेक करें। तो सबसे पहले इसका बैटरी कनेक्टर निकालते हैं। बैटरी कनेक्टर निकालने के बाद एक बार दोबारा से चार्जिंग पर लगा के चेक करते हैं कि रीडिंग क्या आ रही है। तो अभी हमने इसका बैटरी कनेक्टर निकाल दिया, तो बैटरी कनेक्टर को निकाल के इसको चार्जिंग पर लगाते हैं हम। तो यहाँ बैटरी को निकालने के बाद कोई भी रीडिंग नहीं ले रहा है, एक बार दोबारा से ट्राई करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बैटरी को निकालने के बाद भी कोई भी चार्जिंग नहीं ले रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। बैटरी कनेक्टर लगा के एक बार चेक करते हैं, तो बैटरी को लगा के चार्जिंग ले रहा है, पर बैटरी को जब हम हटा देते हैं उसके बाद कोई भी चार्जिंग यहाँ पे नहीं ले रहा है। तो यहाँ मैंने बैटरी हटाई तो चार्जिंग क्या हो गई, 0 हो गई, जबकि इसके 0.1 या 0.2 कुछ ना कुछ लेना चाहिए। तो यहाँ से ये नहीं ले रहा है। तो कई बार क्या होता है, इनमें सीपीयू को ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है, तो रैम ट्राई सोल्ड हो जाती है हमारी, तो उसमें 0.1 या 0.2 इस तरह से ये रीडिंग लेता है। तो अभी तो रीडिंग नहीं ले रहा है, तो सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं, बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे चेक। तो पहले इसका बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बोर्ड की कंडीशन देख सकते हो, तो दोस्तों यहाँ पर बोर्ड की कंडीशन देख सकते हो, एकदम फ्रेश है, पहले कभी काम नहीं हुआ बोर्ड पर। तो बिना बैटरी के कुछ नहीं ले रहा है, और जैसे हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ रीडिंग लेने लग जाता है। तो बैटरी लगा के 0.5 0.6 इस तरह से अभी 0.5 ले रहा है, और बैटरी को निकाल देते हैं तो यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं लेता है, यानी 0 रीडिंग आ रही है आपकी। तो रीडिंग इसकी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो दोस्तों इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है वो डोल लेकर से आ रही है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, आपको बताएंगे किस तरह से इसका सीपीयू आपको रिवॉल्व करके लगाना है। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। तो सीपीयू की जो स्टील है इधर है, इसका सीपीयू उधर लगा हुआ है। तो हम चलते हैं माइक्रोस्कोप पे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका जो कवर है ये आपको निकाल लेना है। ये इसके ऊपर कूल पेस्ट लगा हुआ आता है, जिससे आप जैसे मान लो आपका फोन यूज होता है तो सीपीयू उसका हीट होता है, तो हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए, यानी सीपीयू को ठंडा रखा जाए। तो थोड़ी सी इसकी जो स्टील है यहाँ से हम कट कर लेते हैं। दोस्तों इधर साइड में से यहाँ से बुलेट एंटर करके आराम से आप निकाल सकते हो। कई बार सारे बंदे कहेंगे कमेंट करके कि स्टील निकालने की क्या जरूरत थी, वैसे भी आराम से निकल जाता। भाई ऐसा होता है जब आप सीपीयू निकालते हो तो कई बार क्या होता है, सीपीयू बेंड भी हो जाता है क्योंकि जगह होती नहीं है, ऐसे करके हम उठाते हैं इस तरह से, तो उसमें क्या होता है सीपीयू एक साइड से उठ जाता है, उधर बैठा हुआ रहता है, तो बैंड होने के बहुत ज़्यादा केस रहते हैं। कई सारे भाइयों के साथ यही होता है कि सीपीयू को वो बैंड कर लेते हैं। तो आपको बैंड नहीं करना है सीपीयू को,
आराम से निकालना है, जगह बना के स्टील वगैरह आपको देख के प्रॉपर, यहाँ से मुझे आराम से जगह दिखाई दे रही है, इसे हम आराम से निकाल लेंगे इसको। तो सबसे पहले लगाते हैं इसको पीसीबी स्टैंड में। तो ग्लू कट करने के लिए इस तरह से ब्लेड आते हैं, तो आप मार्केट से ला सकते हैं। तो आराम से आपको चारों साइड से ग्लू कट करना है। ग्लू कट इसलिए किया जाता है दोस्तों, क्योंकि साइड में क्या है, मान लो ये यहाँ पे कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ग्लू के साथ सीपीयू भी जुड़ा है और साथ में कंपोनेंट पे भी है। तो जब हम इसको उठाएंगे सीपीयू को, तो क्या होगा, यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो भी क्या होंगे, साथ में आ जाएंगे। तो कंपोनेंट साथ में ना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ग्लू कट कर रहे हैं। ग्लू कट करते समय दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, कोई कंपोनेंट साथ में ना आए। कई बार क्या होता है, आप ग्लू कट करते हो साथ में कंपोनेंट आ जाते हैं। तो आराम से आपको ब्लेड चलाना है चारों साइड से, प्रेशर देना नहीं है, अगर प्रेशर देके चलाओगे तो आपका जो पैड है वो भी स्क्रैच हो जाएगा। तो ग्लू कट हो गया है, अब दोस्तों हम इसको निकालने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे जो हम सीपीयू को निकाल रहे हैं, वो निकाल रहे हैं 861 से। तो देख सकते हैं सीपीयू भी अब आपका आराम से निकल के आ गया है। तो ये आपका सीपीयू निकला है, तो दोनों ही बड़े प्यार से निकल के आ गई है। तो सीपीयू और रैम को हम रखते हैं साइड में। तो सबसे पहले दोस्तों जो हमें काम करना है, वो करना है इसका जो पैड है उसको क्लीन। पैड क्लीन करने के लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा फ्लक्स डालना है इसके ऊपर, हमने फ्लक्स अप्लाई कर दिया। उसके बाद इस पर आपको आयरन घुमाना है, आयरन घुमाने के बाद आपको लगाना है इसके घुमाना है इसके ऊपर सोल्डरिंग वायर। दोस्तों इस पर आपने देखा, हमने सीपीयू निकाला, सीपीयू निकालने के बाद हमने क्या किया, इस पर फ्लक्स डाल के और आयरन पे एक सोल्डरिंग वायर की बॉल बना के इसके ऊपर घुमाई है। अब आप कहोगे कि इस तरह से क्यों किया है, तो क्या होता है, यहाँ पे जो सीपीयू के ऊपर जो टेम्परेचर है पीपीडी का, वो 250 का लगा हुआ है। तो हमने क्या किया, अपना टेम्परेचर मिक्स कर दिया, जिससे क्या होगा, क्लीनिंग वगैरह करने में आप थोड़ा आसानी रहेगी और जल्दी हो जाएगी, इसलिए करते हैं। तो इसको हम रोजिन के साथ चला रहे हैं यहाँ पे, इस तरह से आपको आराम से चलाना है, ज़्यादा प्रेशर वगैरह देना नहीं है, क्योंकि ग्लू भी लगा हुआ है। आप सोचो कि नहीं एक साथ साफ हो जाएगा आपका, क्लीन हो जाएगा, नहीं होगा, आपका ग्लू भी लगा हुआ है, पहले आपका ग्लू हटेगा जब प्रॉपर साफ होगा। तो केवल जो ऊपर ऊपर से आ रहा है, अगर आपने सीपीयू निकाला और सीपीयू निकालते समय कोई कंपोनेंट वगैरह आपसे निकल जाता है, तो कंपोनेंट को पहले लगा दें, उसके बाद आगे का प्रोसेस करें। तो फिलहाल हमारा कोई कंपोनेंट नहीं निकला है, और ना ही हमारा कोई बोर्ड ओवर हीट हुआ है। आपने देखा यहाँ पे जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, आपने देखा होगा आप जब निकालते हो सीपीयू को, तो यहाँ पे कंपोनेंटों के ऊपर थोड़ी छोटी छोटी बॉलें पर निकल के बाहर आ जाती है। तो यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनी है, क्योंकि टेम्परेचर हीट हमारा कंट्रोल था, टाइम भी हमारा कंट्रोल था। थोड़ा सा ये कैप्सूल हिल गया है, तो इसको बाद में, वैसे लगा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस पर जो ग्लू लगा हुआ है, इस ग्लू को क्या करते हैं, हम क्लीन करते हैं। तो यहाँ पे आप 250 के टेम्परेचर पे, यहाँ पे मैं 857 से इसका ग्लू क्लीन कर रहा हूँ। और ग्लू क्लीन करने के लिए आप यहाँ पर कोई ब्लेड वगैरह कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैं ये ब्लेड यहाँ पे लगा रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप आयरन से भी ग्लू को हटा सकते हो, आयरन से थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए हम इससे SMD सेट निकाल रहे हैं, तो जल्दी से हमारा ग्लू क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। ग्लू हमारा हट गया, थोड़ा बहुत जो बचेगा हम क्या कर सकते हैं, उसको आयरन से निकाल सकते हैं। बाकी थोड़ा बहुत जो ग्लू दिखाई दे रहा है, हम उसको आयरन से साफ करेंगे। बाकी दोस्तों जो साइड का ग्लू रहता है ना, इस तरह से जैसे कंपोनेंट के नीचे, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम सीपीयू को बैठाते हैं ना, तो उस समय पे इधर साइड में ग्लू रहता है, सीपीयू साइड से थोड़ा सा उठ जाता है, और उसके कारण क्या होता है, आप सीपीयू लगाते रह जाते हो, कई बार रिवॉल्व करते रह जाते हो, पर सेट आपका ऑन नहीं होता है। तो ग्लू का विशेष ध्यान रखना है, चारों साइड से एकदम क्लीन होना चाहिए, कहीं पर भी आपका ग्लू लगा हुआ नहीं होना चाहिए। और ग्लू एकदम क्लीन हो गया, फ्लैट हो गया पैर, उसके बाद एक बार लास्ट रिसोल्डिंग वायर चला के इस पर फाइनल हो जाएगा हमारा ये।
तो दोस्तों आपका पैड एकदम क्लीन हो गया हमारा, तो इस तरह से आपको पैड को एकदम क्लीन कर लेना है, क्योंकि पैड अगर आप क्लीन करोगे कहीं ग्लू वगैरह रह जाएगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम जो पैड है पूरी तरह से क्लीन हो गया, कहीं कोई स्क्रैच वगैरह या कहीं ग्लू वगैरह कुछ भी नहीं है साइड वगैरह का, इस तरह से आपको क्लीन करना है। इसे करने के बाद आपको क्या करना है, अपना सीपीयू लेना है या रैम ले लेंगे, तो यहाँ पे पहले हम रैम को कर लेते हैं। तो रैम भी आपकी क्लीन हो गई। तो उसके बाद क्या करना है, आप देख रहे हैं दोस्तों इसके ऊपर ड्राई वॉल बहुत सारी बन गई है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से हार्ड ब्रश लेना है और इसको थिनर से इसके ऊपर घुमा देना। थोड़ा बहुत ग्लू वगैरह जो लगा रहेगा वो भी हट जाएगा, तो आपकी जो बॉले ड्राई दिख रही है वो भी क्लीन हो जाएंगी। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको 138 पीपी डाल के और थोड़ा सा फ्लक्स डाल के इसके ऊपर घुमा देना है आयरन को, तो जो बॉल है आपकी है ना वो भी और चमक जाएंगे अच्छे से। तो इस पे ज्यादा ग्लू नहीं दिख रहा है, तो हम इस पे क्या करेंगे, फ्लक्स डाल के डिसोल्डिंग वायर घुमा, इस पर एक पहले आयरन घुमाएंगे उसके बाद डिसोल्डिंग वायर घुमाएंगे। यहाँ पे दोस्तों जो बॉल है ड्राई आपको दिख रही है उस पर क्या करना है, आपको हार्ड ब्रश घुमाना है। तो उसके बाद यहाँ पे डिसोल्डिंग वायर चला देंगे इसके ऊपर। तो दोस्तों सीपीयू को पहले जो ग्लू लगा हुआ है उसको हटा देते हैं। जो बॉल ड्राई दिख रही है उसके लिए क्या करेंगे, हम हार्ड ब्रश घुमाएंगे। दोस्तों हम इसको जो रिवॉल्व करेंगे वो करेंगे यूनिवर्सल एक्सटेंशन से, इसलिए पहले आपको क्या करना है इसके ऊपर डिसोल्डिंग वायर चला लेना है, और क्योंकि यहाँ पे हम यूवी लगा देंगे इनके ऊपर, क्योंकि कई बार क्या होगा आप जब रिवॉल्व करोगे मान लो यूनिवर्सल से तो क्या होगा इन पे भी बॉले बन जाएंगी, तो पहले हम क्या चला लेते हैं इनके ऊपर थ्रेशोल्डिंग वायर। तो इस पे क्या करते हैं दोस्तों, यूवी लगा देते हैं थोड़ी थोड़ी सी कैपेसिटर की जगह। तो दोस्तों मान लो अगर आप यूनिवर्सल एक्सटेंशन से इसको रिवॉल्व कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, कैपेसिटर की जो जगह है उस पर डिसोल्डिंग वायर चलाने के बाद क्लीन करने के बाद थोड़ी थोड़ी यूवी लगा देनी है, उसको सुखा देना है, क्योंकि तो जब आप यूनिवर्सल से रिवॉल्व करोगे तो उस जगह पर भी बॉलें बन जाएंगी आपकी जो डिस्टर्ब करेंगी, इसलिए ये काम आपको पहले से कर लेना है। तो ये आपकी सूख गई है, अब इस पर क्या करना है, थोड़ा सा फ्लेक्स और पीपी डाल के आयरन घुमा देना है, जैसे यहाँ पे सारी बॉलें बन जाए आपकी, यानी जो ड्राई वगैरह दिख रही हैं वो ओके हो जाए सारी बॉलें। थोड़ा सा यहाँ पे ग्लू दिखाई दे रहा है हमें, तो मैं इसको बुलेट से हटा देता हूँ। दोस्तों सीपीयू को रिवॉल्व करने के लिए जो हम यहाँ पे पीपीडी लगाएंगे वो लगाएंगे 183, यानी 183 पीपीडी से क्या करेंगे इसको रिवॉल्व करेंगे। तो रिवॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हम पीपीडी लेते हैं उसको सुखा के आपको इस्तेमाल करना है, तो ये 183 हमने पीपीडी ली है, तो ये लेने के बाद इसको हम क्या करेंगे सुखाएंगे पहले। तो ऐसे आपको कपड़ा लेना है और उसको ऐसे करके दबा दे दिया, क्योंकि गीली पीपीडी से सीपीयू रिवॉल्व करो या आप कोई नॉर्मल आईसी रिवॉल्व करो कभी भी रिवॉल्व नहीं हो पाएगी, वो उसके लिए आपको पीपीडी सुखानी ही पड़ेगी। तो ये पीपीडी आपकी सूख गई है, उसके बाद क्या करते हैं हम इसको रिवॉल्व करते हैं।
तो जैसे ही आप हीट मारो दोस्तों, रिवॉल्व करो इसको, तो ऐसा नहीं है आपको तुरंत चिमटी जो ट्वीजर रखी है इसको स्टेंसिल को पकड़ने के लिए तुरंत हटा लो, क्योंकि बॉलें क्या होती हैं, मेल्ट होती हैं, गर्म होती हैं, तो आप चिमटी को हटा दोगे तो स्टेंसिल ले लेंगे, बॉलें आपकी मेल्ट हो जाएंगी, इसलिए थोड़ा सा वेट करना, उसके बाद ही आपको ट्वीजर को हटाना है सीपीयू के ऊपर से। क्योंकि हमने यूनिवर्सल स्टेंसिल से रिवॉल्व किया है तो इसलिए आपको ब्रश चला देना है, जिससे क्या होगा इसके अंदर जो एक्स्ट्रा बॉलें होंगी वो निकल जाएंगी आपकी। दोस्तों सीपीयू देख सकते हैं हमारा प्रॉपर रिवॉल्व हो गया है, तो चारों साइड से आपको उठा के ऐसे चेक कर लेना है, तो कोई बॉल छोटी बड़ी तो नहीं बनी है, तो सारी बॉलें हमारी एक जैसी बन गई हैं। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको थोड़ा सा इस पर फ्लक्स अप्लाई करना है, तो इस तरह से हीट देनी है जिससे सारी बॉलें वो क्या होंगी आपकी चमक जाएगी। तो आईसी हमारी कंप्लीट हो गई है, तो इसकी अब बारी आती है इसको बोर्ड में इंस्टॉल करने की, तो साथ ही साथ इसको बोर्ड में इंस्टॉल कर देते हैं। तो थोड़ा सा इस तरह से आपको फ्लक्स डालना है और डायरेक्शन के हिसाब से आपको आईसी को रख देना है इसके ऊपर। जब आपका दोस्तों सीपीयू लगने को रेडी होगा तो जो फ्लक्स रहेगा साइड का वो पॉपअप होने लग जाएगा। दोस्तों जब आपका सीपीयू बैठ जाए तो उसके बाद ऐसा नहीं करना है बोर्ड को तुरंत उठा के आप ठंडा वगैरह करने लग जाओ, तो पहले क्या करना है थोड़ा सा वेट करना है, वेट करने के बाद ही आपको बोर्ड को ठंडा करना है, या ठंडा करना है तो ऊपर से जो यूएसबी फैन आता है और उसके द्वारा कर सकते हो, या ऐसे नहीं बोर्ड को उठा लो तुरंत हीट मारने के बाद, ऐसा नहीं करना है क्योंकि बॉलें क्या हो जाती हैं गर्म होती हैं, तो डाइसोल द्वारा से हो सकता है। तो यहाँ पे बोर्ड को हम साइड में रख देते हैं और इसकी जो रैम है रैम को पहले हम रिवॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे रैम भी हमारी रिवॉल्व हो गई है, तो इस पर क्या करते हैं थोड़ा सा हम स्लग डाल के दोबारा से हीट दे देते हैं, जिससे सारी बॉलें क्या हो जाएंगी एक जैसी चमक जाएंगी। तो दोस्तों एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं, तो पहले हम इसकी एक बार रीडिंग लेते हैं, चार्ज पर आके चेक करते हैं क्या रीडिंग आ रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये चार्जिंग पे लगाने पर 0.1 रीडिंग ले रहा है, यानी कि केवल हमने अभी क्या किया है सीपीयू को इंस्टॉल किया है, रैम को इंस्टॉल नहीं किया है, तो उस कंडीशन में क्या ले रहा है 0.1 ले रहा है, तो यानी हमारा जो सीपीयू है वो प्रॉपर कनेक्ट हो गया है। तो इस कंडीशन में अगर जब भी आप सीपीयू बैठा हो और रैम बैठाने से पहले एक बार रीडिंग ले लो चार्जिंग में लगा के, अगर 0.1 या 0.2 ले रहा है तो आपका जो सीपीयू है वो प्रॉपर सेट हुआ है। तो आगे फिर हम रैम लगा के चेक करते हैं। तो रैम लगाने के लिए थोड़ा सा इसके ऊपर फ्लेक्स अप्लाई करेंगे, तो ये हमने थोड़ा सा इस पर फ्लेक्स लगा दिया। उसके बाद क्या करना है, जो रैम है इसके ऊपर रैम को रखना है आपको, तो डायरेक्शन आपको दिख ही रहा है नोच का, उसी के हिसाब से आपको रैम को सेट कर देना है। तो रैम को प्रॉपर बीच में सेट कर देना है आपको, यानी सेट कैसे करना है आपको ये देखना है कहीं आपका सीपीयू का हिस्सा तो नहीं दिखाई दे रहा है,
जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे नीचे मुझे सीपीयू दिखाई दे रहा है, तो यानी मेरी रैम इधर से अभी थोड़ी आगे हो गई है। तो ऐसे करके आपको क्या कर लेना, रैम को प्रॉपर बीच में सेट कर लेना। तो रैम मेरी सेट हो गई है, कहीं पे भी मुझे सीपीयू है वो। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपको हीट देनी है बिना माइक्रोस्कोप के देनी है, यानी माइक्रोस्कोप को आपको क्या कर देना है, साइड में कर देना है। क्योंकि जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे करते हैं तो जो हमारी नोजल होती है एसएमटी की, वो क्या हो जाती है, आड़ी तिरछी हो जाती है, तो एक साइड से प्रेशर पड़ता है तो रैम क्या हो सकती है, हिल सकती है, इसलिए हम सीधी डायरेक्ट ऊपर से हीट देते हैं। तो रैम हमारी प्रॉपर बैठ गई है, तो हम वेट करते हैं बोर्ड को ठंडा होने के लिए, उसके बाद इसको चेक करते हैं। हो सकता है दोस्तों आपके साथ क्या हो, जैसे मान लो आपने इस तरह से रैम उठाई, रैम बैठाने के बाद आपने रीडिंग चेक की तो वो 0.1 0.2 ले रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, रैम को माइक्रोस्कोप के यानी बोर्ड को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के रैम को हल्का सा सेक कर देना है। तो फिलहाल बोर्ड को ठंडा होने देते हैं, ठंडा होने के बाद हम दोबारा से चेक करते हैं क्या क्या कंडीशन रही। दोस्तों रैम हमारी इंस्टॉल हो गई है, तो बोर्ड को हम एक बार चेक कर लेते हैं फोन में लगा के क्या कंडीशन रहती है, फोन ऑन होता है या नहीं होता है। अगर मान लो हम इसको बोर्ड में लगा के चेक करते हैं, क्योंकि हमने एसएमडी से हीट मारी है इसमें और बिना माइक्रोस्कोप के, कई बार क्या होता है हमने रैम को तो सेक नहीं किया, हम लगा के चेक करते हैं तो रीडिंग इसके अंदर अगर रैम की आती ना, तो दोबारा से माइक्रोस्कोप के नीचे रख के हम रैम को थोड़ा सा दोबारा से सेक करेंगे अगर ऑन नहीं होता है तो। अगर हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम बॉडी में लगा के एक बार इसको चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें चार्जिंग पे लगा के इसको चेक करेंगे पहले, तो सबसे पहले लगाते हैं इसको चार्जिंग पे। हमने चार्जिंग पे लगाया 0.6 लिया इसने, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पोको का लोगो आ चुका है इसके अंदर, यानी फोन हमारा पूरी तरह से ऑन हो गया है। अगर दोस्तों अगर ऑन नहीं होता तो आपको क्या करना है, दोबारा से माइक्रोस्कोप के नीचे रख के इसको रैम को हल्का सा चेक कर देना, कई बार ये प्रॉब्लम भी आपके सामने आएगी। तो हम क्या करते हैं इसको ऑन कर लेते हैं सेट को। तो दोस्तों देख सकते हो पूरी तरह से हमारा जो फोन है ऑन हो चुका है। एक बार इसकी टच वगैरह भी चेक कर लेते हैं, तो टच भी प्रॉपर काम कर रही है, बाकी इसका पासवर्ड हमारे पास है नहीं तो आगे आपको चेक नहीं करा सकते बाकी चीजें। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपके पास कोई भी फोन आता है तो पहले आपको प्रॉपर चेक करना है, चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा इसके अंदर प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है। तो आपने देखा किस तरह से हमने पोको F3 GT का किस तरह से सीपीयू किया, इस तरह से आपको आराम से सीपीयू निकालना है, क्लीन करना है और रिवॉल्व करके आपको लगा देना, तो आपका फोन एक ही बार में ऑन हो जाएगा। अगर आपकी क्लीनिंग अच्छी रहेगी, एक बार में सही सीपीयू निकालोगे, पैड वगैरह क्लीन अच्छे से करोगे, तो फोन भी अच्छे से एक बार में ही ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।